हेलो एवरीवन, इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द कंपैरिजन ऑफ फाइव डिफरेंट क्लासेस ऑफ द फंजाई। ठीक है कि जो ये फाइव डिफरेंट क्लासेस थी फंजाई की, दैट इज द ओमाइसिस, जाइगोमाइसिस, ब्रुटोमाइसिस, एस्कोमाइसिस एंड द बेसिडोमाइसिस, उनके बीच में जो सिमिलरिटीज थे, जो डिफरेंसेस थे, वो हमने इन करेक्टर के रिस्पेक्ट में स्टडी कर लिए थे। हमने यहाँ पर कुछ करेक्टर लिखे थे साइड में, जिनको हमने वन बाय वन करके एक एक करके डील किया था, और लास्ट में जाके हमने एग्जाम्पल भी डील कर ली। ठीक है, अभी जो मोस्ट ऑफ द पॉइंट हैं वो यहाँ पर कवर हो चुके हैं। ठीक है, अब कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कवर नहीं हो पाए थे इन टेबल के थ्रू, उनको हम एक्स्ट्रा स्टडी करते हैं। ऑलमोस्ट ओमाइसिस, जाइगोमाइसिस और ड्यूटोमाइसिस के एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर हम डील कर चुके हैं। ठीक है, अब जो बात आती है वो आती है एस्कोमाइसिस की, तो हम बात कर लेते हैं अबाउट द एस्कोमाइसिस। वैसे तो बहुत सारे करेक्टर हम उधर डील कर चुके हैं, फिर भी जो करेक्टर बच गए हैं उनको हम इधर डील करें। ठीक है, हमने पढ़ा था कि एस्कोमाइसिस में जो माइसिलियम है, दैट इज माइसिलियम इज कैसे, दैट इज यूनिन्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएटेड है, और कैसा था, सेप्टेट था। सेप्टेट का मतलब उधर सेप्टा, वाल प्रेजेंट। ठीक है, जो इसमें अगर मैं सेप्टा की बात करूँ तो पोर प्रेजेंट था, तो सिंपल पोर सेप्टा इधर प्रेजेंट था। इसकी खास बात थी जो हमने लास्ट में जाके पॉइंट डील किया था, इट हैव द फ्लोटिंग बॉडी, इसके अंदर फ्लोटिंग बॉडी प्रेजेंट थी, फ्लोटिंग बॉडी प्रेजेंट। बाकी के जो पॉइंट कवर हो चुके थे उनको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी, जो पॉइंट डिटेल में हमें समझने हैं वो सिर्फ इधर डील करें। ठीक है, तो फ्लोटिंग बॉडी इधर क्या थी, प्रेजेंट थी, जो किसमें बनता है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट था, सोमेटोगेमी हो रही थी। अब इसके अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करूँ तो लाइफ साइकिल एक बार देख लेते हैं, तो जो जो पॉइंट है वो लगभग सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर देता हूं इधर कि दो हाइफी हैं, कौन से हाइफी हो गए, ये प्राइमरी हाइफी हो गए जो ज्यादा टाइम के लिए थे, और बेसिडोमाइसिस में सेकेंडरी ज्यादा टाइम के लिए रहते। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों के दोनों हाइफी क्या कर गए, फ्यूज हो रहे हैं, तो हेयर बोथ हाइफी गेट फ्यूज, कॉन्टेक्ट में आ गए, एक एक न्यूक्लियस है दोनों के केस में, और इनकी जो कंडीशन है, दैट इज द एन कंडीशन, हैप्लोइड कंडीशन। ठीक है, इधर फ्यूज हो गए, उसके बाद में इनका जो बीच की वाल थी वो डिजोल हो गई, बीच की वाल तब डिजोल हो गई, तो हमने उसके लिए टर्म यूज कर दी, दैट इज द प्लाज्मोगेमी। क्यों, क्योंकि जैसे ही वाल डिजोल होगी तो इनका साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, तो साइटोप्लाज्म का मिक्सअप होना, दैट इज नोन एज द प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी हो गई, प्लाज्मोगेमी होने के बाद में अभी जो इधर हाइफी बना है वो कुछ ऐसे बना है कि यहाँ पर दो न्यूक्लियस एक साथ आ गए एक सेल में, तो इस टाइप की जो सेल होगी, दैट इज नोन एज द डाइकेरियन, उसको हम डाइकेरियन बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये डाइकेरियन जो हाइफिया फिर जो सेल है, दैट विल, जहां पर ये डाइकेरियन सेल है, उस सेल की आउटग्रोथ होने स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी सी आउटवर्ड ऊपर की तरफ ग्रोथ करती है। यहां पर एक एक ही न्यूक्लियस रहेगा, यहां पर कितने न्यूक्लियस थे, दो न्यूक्लियस थे, वो दोनों न्यूक्लियस किधर शिफ्ट कर जाएंगे, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग नीचे थे, मूव करके किधर हो गए, ऊपर की तरफ चले गए, तो यहां पर जो फाइनल जो हाइफी है वो कुछ ऐसे दिखाई देगा, साइड की सेल में एक एक न्यूक्लियस एन कंडीशन, यहां पर दोनों के दोनों ऊपर चले गए। ठीक है, अभी एन न्यूक्लियस ये है एक मेल का हाइफी का और एक फीमेल हाइफी की, तो एन एन कंडीशन। अभी लास्ट में दोनों के दोनों न्यूक्लियस क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे, एंड फाइनली बोथ न्यूक्लियस गेट फ्यूज, दैट इज नोन एज द कैरियोगेमी, इसको हम क्या बोल देंगे, कैरियोगेमी। बेटा जो ये हाइफी ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है, जो ऊपर की तरफ ग्रो कर गई है, दैट इज नोन एज द एस्कोजीनस हाइफी।
इसको हम क्या बोल देंगे, टेस्कोजीनस हाइफी बोल देंगे, क्योंकि ये आगे चल के किसकी फॉर्मेशन करेगी, एस्कस की फॉर्मेशन करेगी, तो प्रोड्यूस एस्कस, ठीक है। तो इसलिए साइफी को क्या बोला गया, एस्कोजीनस साइफी बोला गया। अभी क्या हो गई, कैरियोगेमी हो गई। कैरियोगेमी का मतलब, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस और गेमी का मतलब फ्यूजन, यानी कि जो दोनों न्यूक्लियस हैं एन और एन, दे विल गेट द फ्यूज, ये आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद कैसे दिखाई देंगे, यहां पर दोनों न्यूक्लियस जुड़ गए। तो यहां पर कंडीशन कैसे आ गई, अभी दैट इज डिप्लोइड न्यूक्लियस आ गया, ट्विन न्यूक्लियस आ गए, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में ये हाइफी कैसी थी, एन नेचर की थी, शुरू से हम लेके चले थे एन, मैंने लिखा हुआ बी एम, एक मेल हाइफी की तरह ट्रीट करते, एक फीमेल, दोनों कॉन्टेक्ट में आए, बीच की जो वाल थी वो डिजोल हो गई, फ्यूज हो गई, यहाँ पर प्लाज्मोगेमी हो गई, एन एन न्यूक्लियस आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक सेल में दो न्यूक्लियस है, दैट इज द डाइकेरियन कंडीशन आ गया, दिस मीन इज द डाइकेरियन कंडीशन। ये फिर जहां पर डाइकेरियन कंडीशन थी वो सेल ऊपर की तरफ ग्रोथ कर गई, दैट इज द एस्कोजीनस हाइफी। एस्कोजीनस हाइफी क्या बनाएगी, एस्केस बनाएगी, और यहाँ पर जो ये दो न्यूक्लियस थे दे फाइनली गेट द फ्यूज, कैरियोगेमी में गई, कैरियोगेमी में जाने के बाद में न्यूक्लियस बन गया, दैट इज द डिप्लोइड न्यूक्लियस बन गया। अब जो ये डिप्लोइड न्यूक्लियस है दैट अंडरगो द मियोसिस, किसमें गया ये, मियोसिस में, और आपको पता है कि जो मियोसिस है दैट इज द रिडक्शनल डिविजन, उसको हम रिडक्शनल डिविजन बोलते हैं। रिडक्शनल डिविजन में एक सेल कितनी सेल प्रोड्यूस करती है, चार, वन सेल प्रोड्यूस फोर सेल, तो एक जो न्यूक्लियस है वो कितने न्यूक्लियस प्रोड्यूस करेगा, फोर। तो यहां पर कंडीशन कैसे हो जाएगी, दैट इज द कुछ ऐसी दिखाई देगी, ये इसका बेस वाला पार्ट हो गया। अभी जो ऊपर था एस्कोजीनस हाइफी, वहां पर मियोसिस हुई है, तो कितने न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो गई, एक दो तीन चार, ऐसे चार यहां पर ये न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो गई है। आगे जाके इस पोर की फॉर्मेशन करेंगे, तो दे आर कलेक्टिवली नोन एज द एस्कोस्पोर, इनको मिक्सन में क्या बोल देंगे, एस्कोस्पोर बोल देंगे, क्लियर हुआ। और जो है इनकी प्लोइडी दैट इज द एन, सभी की प्लोइडी एन है, क्योंकि ये मियोसिस से बने, और यहां पर जो प्लोइडी थी वो क्या थी, टू एन, बट मियोसिस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिविजन बोलते हैं, नोन एज द रिडक्शनल डिविजन। तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, हाफ हो गए, और यहां पर फाइनली चार स्पोर की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब जो ये स्पोर बनी है दे आर कंटिन्यूसली अंडरगोइंग द माइटोसिस, वो लगातार किस में जाएंगे, माइटोसिस में जाते हैं, अंडरगो माइटोसिस, लगातार किस में गए, माइटोसिस में गए। तब माइटोसिस में जाएंगे तो लगातार क्या होगा, वहां पर नंबर की फॉर्मेशन होगी, नंबर क्या होते जाएंगे, लगातार उधर बढ़ते हुए चले जाएंगे। देखिए इधर स्पोर के नंबर कितने हैं, चार हैं, मिनिमम कितने होते हैं, चार, बट ये फिर से एक बार माइटोटिक डिवीजन करके आठ भी बना सकते हैं। तो एस्को स्पोर का नंबर मिनिमम होता है फोर एंड मे बी एट, आठ भी हो सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बेसिकली बनते चार, लेकिन माइटोसिस में जाएंगे तो आठ की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो अगर ये आठ की फॉर्मेशन करेंगे, आठ एस्कोस्पोर बन गए, तो ये जो हमारी एस्कोजीनस हाइफी थी वो कुछ अब ऐसी दिखाई देगी, ये बेसल हाइफी। ये तो एक सेल की कंडीशन हो गई कि एक सेल से यहां पर ऐसे स्ट्रक्चर बन गई, एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ, ऐसे आठ बन सकते हैं। ये तो एक सेल की कंडीशन है, हो सकता है इसी तरीके से यहां पर दूसरी सेल से भी ऐसे स्ट्रक्चर बन जाए, ये तो एक सेल की कंडीशन थी, ऐसी तो बहुत सारी सेल होंगी हाइफी के अंदर। तो जितनी भी सेल के अंदर
ये प्रोसेस चलेगा, उन सभी से कुछ ऐसी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगी, और ये जो स्ट्रक्चर बनी है, जो एक स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज द एस्कस। अब यहाँ पर देखिए छोटी छोटी टर्म्स है जो थोड़ी कंफ्यूज करने वाली है, तो दिस स्ट्रक्चर इन द एस्कस, इसको हम एस्कस बोलते हैं। ऊपर हमने बोला था कि जो एस्को जीनस आईपी था वो आगे चल के एस्कस की फॉर्मेशन करेगा या फिर एस्कस प्रोड्यूस करेगा। तो पहले तब यहाँ पर एक या दो न्यूक्लियस थे कैरियोगेमी से पहले, तो हमने इसको एस्को जीनस आईपी बोला था, बट जैसे ये फ्यूज कर गई और यहाँ पर नंबर ज्यादा हुआ 428, तभी उसको एस्को जीनस आईपी को हमने क्या बोल दिया है, एस्कस बोल दिया। तो यहाँ पर लिख दें दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ एस्कोजीनस हाइफी, एस्कोजीनस हाइफी की मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो इधर कितने एस्कस आ गए, तीन एस्कस आ चुके हैं। ठीक है, ये जो इनके अंदर स्पोर हैं, दीज स्पोर आर नोन एज द एस्को स्पोर। ध्यान देना कि ये जो स्पोर है इधर, दीज आर द एस्को स्पोर, दीज आर द एस्को स्पोर, और ये जो एस्को स्पोर कवर है इस से दैट इज नोन एज द एस्कस। ठीक है, अभी यहां पर क्या होता है कि जैसे ही इनकी फॉर्मेशन होती है, एस्कस बनने लगते हैं, तो इनको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन देने के लिए इन एक्सेस के बाहर, एस्कस के बाहर यहां पर माइसिलियम की कवरिंग आनी स्टार्ट होती है। ठीक है, इस तरीके से वो एक थिक कवरिंग बना देते इधर माइसिलियम की मॉडिफिकेशन। अब ये जो बना है यहां पर मॉडिफाइड होके, दैट इज नोन एज द एस्को कार्प, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्को कार्प बोलते हैं। तो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये बाहर की माइसिलियम है, दीज आर द फंगल माइसिलियम, जो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर बना रही है, बट ये जो पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर यहाँ पर जो डेवलप हुई है, दैट इज नोन एज द एस्को कार्प, या फिर जिसको आप फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। तो ये यहां पर लिख देता मैं, दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज द एस्को कार्प, दैट इज फ्रूटिंग बॉडी। तो हमने पढ़ा था कि एस्कोमाइसिस में फ्रूटिंग बॉडी बनती है, तो फ्रूटिंग बॉडी आपके सामने है कि कैसे ये बनी। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटी चीज हो गई दैट इज द एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर से फिर बड़ी हो गई एस्कस, एस्कस से बड़ी हो गई एस्को कार्प, जिसको आप फ्रूटिंग बॉडी बोलते हो। जब कभी भी ये एस्को कार्प ब्रेक डाउन होगा, अभी आगे के पार्ट करते हैं, अगर ये एस्को कार्प ब्रेक डाउन होगा तो यहां पर स्पोर क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। एस्को स्पोर इधर क्यों गए, रिलीज हो गए। जैसे ये फ्लोटिंग बॉडी टूटेगी तो स्पोर क्यों जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। एंड दीज स्पोर आर नोन एज द एस्को स्पोर, ये स्पोर कौन से, दीज आर द एस्को स्पोर। इनकी प्लोइडी क्या जाती द एन, क्योंकि किससे बने थे, ये मियोसिस से बने थे। अभी जैसे इसको स्पोर बाहर आएंगे तो ये क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, स्पोर गेट जर्मिनेट आफ्टर रिलीजिंग, रिलीज होने के बाद में ये जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करने के बाद में जो 50% स्पोर है वो मेल हाइफी की फॉर्मेशन कर देंगे, और 50% जो स्पोर है वो फीमेल हाइफी की फॉर्मेशन कर देंगे। तो 50% जो स्पोर है वो मेल हाइफी बनाएंगे, और जो 50% है वो फीमेल हाइफी की फॉर्मेशन करेंगे, और फिर से जर्मिनेट करके मेल और फीमेल हाइफी की फॉर्मेशन कर देंगे। तो एक तरीके से हम यहाँ पर देखें तो हमने पूरी की पूरी यहाँ पर एस्कोमाइसिस की लाइफ साइकिल को डील कर लिया कि उसमें कौन कौन सी फेजेज आए। एक बार मैं आपको एक कंप्लीट लाइफ साइकिल दिखा देता हूँ कि हमने इसमें क्या पढ़ा है। दिस वन इज द कंप्लीट, कि यहाँ पर हमने हाइफी से स्टार्ट करा था, हमने यहाँ पर हाइफी लिए थे, फ्यूज हो गया था, यहाँ पर डाइकेरियन कंडीशन आई थी, वहाँ पर एस्कोजीनस हाइफी डेवलप हो गई थी, फिर वहाँ पर ये जो दो न्यूक्लियस थे एप्लॉइड वो फ्यूज हो गए थे, कैरियोगेमी कंडीशन, तो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो गई थी। उसके बाद में ये अंडर चला गया था मियोसिस डिवीजन,
जिसको आप रिडक्शनल डिवीजन बोलते हो, एक सेल से चार सेल बनते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो वन न्यूक्लियस गिव द फोर न्यूक्लियस विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज द एन। और ये जो स्पोर बनेंगे दे आर नोन एज द एस्पी स्पोर। ए न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म में वो डिपोजिट होता हुआ चला जाएगा, तो अभी ये स्पोर कहलाना स्टार्ट कर देते हैं। कम से कम कितने होंगे, चार और आठ भी हो सकते हैं। उसके बाद में देखिएगा, यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो है वो माइटोटिक डिवीजन में चले जाते हैं और चार से इवन आठ भी हो सकते हैं। ये तो एक एस्कोजिनस हाइफी थी, ऐसी दूसरी भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी एस्कोजिनस हाइफी थी जिसको बाद में हमने क्या बोला था कि एस्कस की फॉर्मेशन कर देगी। तो एस्कस कंटेन द एस्कोस्पोर, बाहर माइसिलियम की थिक कवरिंग आ गई। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया है, एस्कोकार्प बोल दिया। उसके बाद में जैसे ये कभी ब्रेकडाउन होगा तो ये स्पोर क्या हो जाएंगे, रिलीज होंगे। रिलीज होने के बाद में जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, दिस स्पोर अगेन गेट द जर्मिनेट। ये फिर से क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। 50-50 के रेशियो में करेंगे, 50% गिव द मेल हाइफी एंड द 50% गिव द फीमेल हाइफी। तो दिस वन इज द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ द एस्कोमाइसिस, कि उसके लाइफ में कौन कौन सी फेजेस आती है। आई थिंक शायद आपको क्लियर होगा काफ़ी। तो ये हो गई यहाँ पर एस्कोमाइसिस की लाइफ साइकिल। अभी इसके जो फेमस एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो हमें क्या करके डील करते हैं। द फर्स्ट वन एग्जाम्पल इज द पेनिसिलियम। फर्स्ट वन एग्जाम्पल इज द पेनिसिलियम। वैसे हम कंपेरिजन टेबल में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। दिस वन इन्होंने द ब्लू और ग्रीन मोल्ड, इसका जो कलर है वो जनरली ग्रीन और इवन कभी कभी ये ब्लू भी सेल भी देने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसकी कुछ अलग अलग वैरायटी भी मिलती हैं जो अलग अलग काम में यूज ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पेनिसिलिन नोन एटम, सॉरी नोट एनम, पेनिसिलिन नोन एटम, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर हुई थी, जिन्होंने इसे फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर करी थी, दैट इज द पेनिसिलिन, ठीक है। तो पेनिसिलिन यहां पे लिख देता हूं मैं, फर्स्ट एंटीबायोटिक गेट ऑब्टेंड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। और वो तब उन्होंने ये एंटीबायोटिक फाइंड आउट करी, तब वो किस बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे, ये क्वेश्चन बहुत बार कंपिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ही वॉज वर्किंग ऑन दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। एक्चुअली में लैब में काम कर रहे थे, एक दिन सडनली वो जो कल्चर प्लेट होते हैं उनको साफ करे बिना जल्दी घर पे चले गए। तब उन्होंने दो तीन दिन के बाद में आके देखा तो वहां पर कुछ प्लेट पे ग्रीन स्ट्रक्चर ग्रो करी थी और जो बैक्टीरिया थे वो नहीं थे। तो वो समझ गए कि इस स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ ऐसा है जिन्होंने इस बैक्टीरिया की कॉलोनी को रिमूव आउट कर दिया। तो इसी तरीके से वहां पर फिर बाद में डिस्कवरी किसकी, पेनिसिलिन की डिस्कवरी, ठीक है। तो इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था जो एंटीबायोटिक है उसके लिए ना। उसके बाद में दूसरी वैरायटी का नाम है दैट इज पेनिसिलियम रोकीफोर्टी एंड पेनिसिलियम कंबिफर्टाई। कंबिफर्टाई FERK, ये जो दोनों की दोनों वैरायटीज है पेनिसिलियम की, दे आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द चीज, पनीर को बनाने के लिए यूज करी जाती है। तो बोथ वेराइटीज आर यूज टू मेक चीज, पनीर बनाने के लिए इनका यूज होता है, ठीक है। और ये जो चीज होगा जनरली दे आर द ग्रीन कलर सेट। कई बार पूछा जाता है कि किस पनीर का कलर ग्रीनिश कलर का होगा, तो जो भी पनीर पेनिसिलिन की सहायता से बनाया जाएगा उसका ग्रीन कलर होगा, क्योंकि हमने ऊपर भी देखा था आज उन्होंने द ग्रीन मोल्ड, ठीक है। तो हैव
लाइट ग्रीन कलर से, पनीर बनाने के लिए फंजाई की सहायता से, इस पेनिसिलिन की सहायता से फर्मेंट करवाया जाता है। ठीक है, तो इसकी खास बात हो गई। और पेनिसिलिन के अंदर कोनिडिया स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। दूसरा जो इसका फेमस मेंबर है, दैट इज द एस्परजिलस। सेकेंड फेमस मेंबर इज द एस्परजिलस। एस्परजिलस इन्होंने द ब्लैक, ब्राउन और आल्सो नोन एज द ब्लैकी स्मोकी मोल्ड, ब्लैकी स्मोकी मोल्ड। ब्लैक कलर का होगा ये, ठीक है, ये फिर लाइट ब्राउन कलर के देते हैं। और इसके जो स्पोर है वो काफी ज्यादा नंबर में निकलते हैं, जो एक स्मोक धुवे की तरह अपीयरेंस देते हैं, तो इसलिए इसको ब्लैक स्मोकी मोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके फायदे क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पर इसका यूज करा जाता है, कौन कौन सी वेराइटीज है, वो हम यहाँ पर देख लेंगे। तो इसकी वेराइटीज में आ जाते हैं, सबसे पहले अबाउट दैट इज एस्परजिलस। एस्परजिलस प्रोलीफेरेंस, प्रोलीफेरेंस ये इसकी जो वैरायटी है, दैट इज एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग वैरायटीज। इससे एंटीबायोटिक मिलते, दैट इज द प्रोलीफेरिन। ठीक है, प्रोड्यूस प्रोलीफेरिन एंटीबायोटिक, इससे प्रोलीफेरिन एंटीबायोटिक मिलेगी। दूसरा है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, फ्यूमिगेटस जो दूसरी वैरायटी है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, दैट कॉज मैनी डिजीज इन द ह्यूमन एंड द कैटल, कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड कैटल। ठीक है, अगर डिजीज का नेम देखना चाहो तो यहां पर एग्जांपल आ जाएगी कि कौन सी डिजीज हो रही है, दैट इज एस्परगिलियसिस, एस्परगिलियसिस। ठीक है, दिस वन इज द डिजीज। इसी तरीके से है एक एस्परजिलस फ्लेवसस, जो फोडर चारे जो सॉरी जो फोडर है या फिर जो वालनट है, आलमंड वगैरह, उसके ऊपर ग्रो करते हुए एक टॉक्सिक देती है, दैट इज द अल्फा टॉक्सिन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द कंपटीशन एग्जाम, दैट इज अल्फा फ्लेवर्स, अल्फा फ्लेवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्रो ऑन स्टोर्ड फूड लाइक ग्राउंडनट, कैशनट, टेटिस, दूसरी चीजों पे ग्रो करती है एंड सीक्रेट टॉक्सिक, और एक जहर एक टॉक्सिक रिलीज करती है, इट्स नेम इज द अल्फा टॉक्सिन। जो टॉक्सिन है दैट्स नेम इज द अल्फा टॉक्सिन, और ये जो अल्फा टॉक्सिन है दैट इज द कार्सिनोजेनिक इन नेचर। दिस अल्फा टॉक्सिन इज कार्सिनोजेनिक इन नेचर, यानी कि कैंसर करने वाली है। किस चीज का कैंसर करती है, कॉज लीवर कैंसर, लीवर का कैंसर करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस नाइजर दैट इज नोन एज द वीड ऑफ लेबोरेटरी, लेबोरेटरी वीड का मतलब वो जो अनवांटेड ग्रो कर जाए। तो इसके स्पोर लैब में जहां पर भी टच में आते हैं वहां पर ब्लैकिश कलर की फंजाई ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। तो जैसे फील्ड के अंदर वीड बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रो करती है, सेम एज इट इज ये भी लैब के अंदर वर्किंग लैब में बहुत ज्यादा तेजी से स्प्रेड हो जाती है, तो इसलिए इसको वीड ऑफ लेबोरेटरी भी
बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द थर्ड वन टाइप, दैट इज क्लेविकेप्स। थर्ड वन इज द क्लेविकेप्स। क्लेविकेप्स जो है एक डिजीज कॉज करती है, कॉज अर्गट ऑफ बाजरा, अर्गट डिजीज ऑफ बाजरा, ठीक है। बाजरा बोल दे फिर आप मिल्ट बोल दे, बात एक ही रहेगी, ठीक है। तो उसके ऊपर ग्रीनिश कलर की जो सेड आने लगती है वो होती है, जो क्लेविकेप्स परप्यूसिया की वजह से होती है, ठीक है। फोर्थ मेंबर इज द मोरकिला, जो मोरकिला है दैट इज एडिबल फंगस, एडिबल फंगस है, काफी ज्यादा डिलीशियस नेचर की होती है और इसको जापान में यूज करा जाता है, ठीक है। तो यूज इन जापान, जापान में इसको यूज करा जाता है एज ए फूड मैटर। उसके अलावा नेक्स्ट वन दैट इज द न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा को हम रेड और पिंक मोल्ड भी बोलते हैं, उन्होंने द रेड और पिंक मोल्ड, इसके जो कलर है वो लाइट पिंकिश कलर का होता है, डेंसली ग्रो करती है तो ये रेड कलर की सेड भी दे देती है। दिस वन आल्सो नोन एज द ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम, आल्सो नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। तो जिस तरीके से जेनेटिक्स में ड्रोसोफिला के ऊपर काफी ज्यादा काम करा जाता है, उसी तरीके से प्लांट किंगडम में काफी ज्यादा काम करा जाता है, इस न्यूरोस्पोरा के ऊपर काम करा जाता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। लास्ट मेंबर जो यूनिसेलुलर है लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, दैट इज ईस्ट। काफी कुछ इसके बारे में जानते हैं, दिस वन इज द यूनिसेलुलर फंजाई, एक सेल की है, यूनिसेलुलर है। इसके अलावा यहां पर जो माइसिलियम स्ट्रक्चर वो क्या होगी, अब्सेंट होगी, माइसिलियम स्ट्रक्चर अब्सेंट। बट अगर इसको सुगर सॉल्यूशन में रख दिया जाए, ठीक है, अगर मान लो इसको एक सॉल्यूशन सुगर सॉल्यूशन में रख दिया जाए, ये सुगर सॉल्यूशन है और यहां पर हमने ईस्ट के एक सेल को रख दिया, तो वो लगातार रिपीटेड बडिंग के अंदर जाएगी और अब यहां पर एक चेन या फिर माइसिलियम की जैसे स्ट्रक्चर दे सकती है, अदरवाइज नहीं तो नहीं देगी, ठीक है। तो दिस वन इज द सोडो माइसिलियम, क्या ये रियल माइसिलियम है, नहीं है, बट माइसिलियम की जैसे स्ट्रक्चर देगी अगर उसको आप सुगर सॉल्यूशन में रख दोगे, तो दिस वन इज द सुगर सॉल्यूशन, ठीक है। तो सोडो माइसिलियम फॉर्म ड्यू टू रिपीटेड बडिंग से वो बना है, तो इसलिए वो ट्रू माइसिलियम नहीं, ठीक है। यहाँ पर इसकी दो वेराइटीज है, कौन कौन सी है, द वन इज द सैक्रोमाइसिस एंड द सेकेंड वन इज द एच आएगा, सेकेंड वन इज दैट इज साइजोसैक्रोमाइसिस, ठीक है। ये दोनों की दोनों क्या है, ईस्ट की ही वैरायटीज है, फिर ईस्ट के ही टाइप, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पर ईस्ट का यूज करा जाता है, किस किस जगह पर ईस्ट का यूज होगा, वो हम यहाँ पर देखना है। तो मेनली जो ईस्ट का काम होता है, दैट इज मेनली यूज फॉर द फर्मेंटेशन, तो ईस्ट इज मेनली यूज फॉर फर्मेंटेशन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसके फर्मेंटेशन से हम कौन कौन सी चीज बना सकते हैं मेन, वो हमें देखनी है। तो जो सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी है, इसका मतलब दैट इज द सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी इज मेनली यूज टू मेक द एल्कोहल, ठीक है, टू मेक एल्कोहल, जो बियर वगैरह है
लो परसेंटेज एल्कोहल जो 13% से कम की है उसको बनाने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा इसको बेकिंग इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं आल्सो इन बेकिंग इंडस्ट्री। बेकिंग का मतलब जहां पर केक वगैरह या फिर सामान वगैरह उठाने के लिए यूज करते हैं, फर्मेंटेशन करवाने के लिए यूज करते हैं, फूड आर्टिकल के लिए, तो वहां पर है। तो जो ईस्ट है दैट इज यूज एज द बेकर एंड द बेवरेज मेटीरियल। ठीक है, इसके अलावा जो ईस्ट है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी आल्सो प्रोड्यूस विटामिन B12 दैट इज राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन देगा। ईस्ट को हम बेकर एंड बेवरेज इंडस्ट्री में यूज करते हैं। आई थिंक सर क्लियर होगा। तो ये था रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एस्कोमाइसिस जिसमें हमने काफी कुछ कवर कर लिया कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज होगा। तो आई थिंक शायद आपको एस्कोमाइसिस क्लास और फंजाई अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बेसिडियोमाइसिस जो काफी ज्यादा जरूरी है, जिसमें हम मशरूम एग्रीकस के लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे, उसमें कौन कौन सी फेजेज आती है उनकी बात करेंगे, क्लैंप कनेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप शायद आपको एस्कोमाइसिस अच्छे से क्लियर है। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिडियोमाइसिस। थैंक यू सो मच।